पाली जिले के सुमेरपुर में तखतगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष कक्ष में बड़ी संख्या में पार्षद विक्रम खटिक और वार्डवासी अपनी वार्ड की समस्या को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष से मिले, जहां पार्षद और उनके प्रतिनिधियों ने नगर पालिका अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया और नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने अध्यक्ष को 3 महीने के अंदर लोगों की समस्याओं का निराकरण न होने पर नगर पालिका का घेराव करने की भी चेतावनी दी। इस बीच कोरोना गाइडलाइन की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। काफी हंगामे के बाद अध्यक्ष ने पार्षद को आश्वासन दिया और मामले को शांत किया। रोड जो है सैंक्शन होकर आई है, हमारे पास कोई वर्कशॉप आया था, हमने उसे देखा, हमने तो उसके अंदर हमें ये प्रतीत हुआ कि वार्ड नंबर कई ऐसे हैं जो हम बता नहीं सकते, उनके अंदर गलियों के अंदर रोड ले लिए, जो कि वो रोड वहाँ पे ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, ये आम रोड होना चाहिए जहाँ पे हैवी व्हीकल निकलते हो, जहाँ पे आवागमन ज्यादा हो, ऐसी जगह पर अगर ये रोड बनता है तो सरकार राज्य सरकार के द्वारा दिए गए रोड का औचित्य रहेगा, गलियों में कोई औचित्य उनका नहीं। मूलतः ये समस्या लेके आया था कि भाई जो पीडब्ल्यूडी में से जो सड़कें जो जमीन तय हुई है सरकार द्वारा, उसमें भेदभाव रखा है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं किसी कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव होते बिना काम करने वाला व्यक्ति हूँ और मैंने 22 किलोमीटर की सीसी रोड यहाँ से लिख के भेजी थी, सरकार द्वारा 10 किलोमीटर की सेंक्शन हुई है। सरकार ने जो एफ साहब अपने एस साहब ने जो चाही वो रोड सेंक्शन करके भेजी है और वो रोड हो गई है।